रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित नवीन सरना कॉलेज छात्रावास तोड़फोड़ मामला। रांची डीसी के आदेश के बाद कल्याण विभाग के पदाधिकारी पहुंचे छात्रावास। तोड़फोड़ के बाद हुए नुकसान का लिया जायजा। रांची डीसी ने कल्याण विभाग ने तोड़फोड़ के बाद हुए नुकसान का एस्टीमेट बनाने का दिया था निर्देश। कल्याण विभाग के द्वारा देर शाम तक रांची डीसी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। छात्रावास परम चौड़ा हरमू रांची में हुए तोड़फोड़ मामले में अब छात्रावास के मरम्मत कार्य पर दिया जा रहा जोर। उपायुक्त रांची के आदेश से कल्याण विभाग के द्वारा हम लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। उपायुक्त का डायरेक्शन था कि देख ले क्या क्या क्षति हुआ है और उसमें क्या सहायता हम लोग की तरफ से दिया जा सकता है, तो उसी के लिए हम लोग आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NREP वन के साथ आए हैं और ये हम लोग इसका आकलन कर रहे हैं। इसका रिपोर्ट आज शाम को हम उपायुक्त को दे देंगे और उसके बाद जैसा निर्णय होगा छात्र हित में वो होगा। यहाँ पर ये तो आज रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद में जितना जल्दी हो सके, क्योंकि छात्र यहाँ पे अभी खुले में हैं और खाना भी खुले में बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि इनको सुविधा उपलब्ध हो जाए जो पहले से था वो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुधीर बाड़ा है, परियोजना निर्देशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची कल्याण विभाग। देखिए घटना दुर्घटना तो होते ही रहती है, लेकिन मान के चलिए कि जिस तरह से हमारा छात्र जो है दूर दराज से गरीब तबके आदिवासी परिवार से लोग जुड़े हुए हैं और सुविधा ना होने के कारण आज यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा या पूरे समाज का दायित्व बनता है कि जो भी हम लोग कर पाएँ इसके लिए करें। और जिस तरह से आपने देखा हो कि कुछ दिन पहले जिस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, तो हमने DC साहब से बात हुई थी विधायक के माध्यम से भी, तो सारे विधायक के माध्यम से बात हुई, तो आज कल्याण विभाग को निर्देश आदेश दिया गया कि आप जाकर निरीक्षण करिए। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ में आए हुए हैं सुधीर बाड़ा जी हैं, जो कि सारे रिपोर्ट अभी सबमिट करके DC महोदय के सामने रखेंगे और जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि इसकी जितना जल्दी हो सके यहाँ का मरम्मत चालू हो जाए, ताकि बरसात के भी मौसम अब आने वाले हैं, पता नहीं अगर ठीक सुधार नहीं होगा तो इतने खुले मौसम में इतने घर जो टूटे हुए हमारे छात्र लोग कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे जो है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए और जो भी है इसके पीछे दोषी उस पर भी कार्रवाई किया जाए और जो भी मरम्मत का काम है ये तुरंत जल्द से जल्द हो, ताकि यहाँ पर जो पहले की तरह जो लोग छात्र रह रहे थे वो रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।